सबसे पहले तो हमारे ये बैठे भैया कैसे भैया और सब बढ़िया अब भाई अगली बार आऊंगा तो रेड एक्सनर खड़ी करना लेकिन भैया का नेचर बहुत अच्छा है ऑसम नेचर है भैया का मैंने सोचा तो थोड़ा अभी वाली बात आई कि भैया का नेचर बहुत फ्रेंडली है ये देखो भाई भाई का नाम लिख रखा है फुल और दो दो सिल्वर प्ले बटन भी है हे गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही कैडी पचाई के साथ और विपिन ने फिर से आज बनी हेलमेट पहन लिया अमन वोरा रमन वोरा रोहित तेरा रोहित हमारे साथ जा नहीं रहा है क्योंकि ये ट्यूशन से घर जा रहा था बट अभी फिलहाल में आज कुछ कंटेंट इस प्रकार का आएगी विपिन की गाड़ी में ना हैजार्ड में बार बार दिक्कत आ रही है तो आज दोबारा से हैजार्ड चेक करवाने जा रहे करोल बाग यानी कि एसगेटी ऑल शॉप तो रस्ते में मिलते भाई और फिर सारा कंटेंट वहीं का आएगा एसगेटी ऑल शॉप का तो मिलते हैं अभी और अमन बनेली देखनी है आज ठीक है एसकेडी भाई की शॉप पे एक बनेली खड़ी है उसे भी देखने कितना प्राइस लगा रहे क्या नहीं तो अभी निकलते सीधा फिर मिलते हैं भाइयों भाई और रास्ते में चलते चलते जो बनी कवर के रिएक्शन है ना वो तो मैं पिछले साल में देख ही रहे होंगे मगर भाई आता नहीं है आता इधर देखो बंदों की उधर नजरें घूमती है बस डायरेक्ट यार भाई कुछ जा रही है चीज़ अभी दिखाता हूँ तुम्हें फाइनली एसकेडी शॉप आ चुके हैं जो कि इस बार हम आए हैं मेन ओनर की शॉप पे जो कि हमारे सिकंदर भाई तो उनकी बाइक अंदर खड़ी हुई है गाइस देख सकते हो तुम ये और जेड एक्शन आर भाई के घर पे हमने पता किया था अभी तो अभी अंदर चल के तुम्हें सारी चीज़ दिखाता हूँ बोला तो और ये चेक करो भाई सबसे पहले तो हमारे ये बैठे भैया कैसे भैया और सब बढ़िया भैया इधर तो है ये भैया की दोस्ती भाई होपलेस हो जाते हैं जब इतने बड़े बंदे के आगे आते हैं ना समझ रहे हो तुम हाँ तो भैया ने मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया था जैसा कि तुम्हें पता ही है एक वीडियो में मैंने बता रखा है तुम लोगों को भी और तुम ये चेक कर सकते हो भाई एग्जॉस्ट और ये देखो भाई भाई का नाम लिख रखा है फुल और दो दो सिल्वर प्ले बटन भी है और वो रहा भाई LED बैकपैक जैसा कि तुम देख सकते हो तो जेड एक्सनर भैया की आज घर पर है क्योंकि भैया से पहले ही पूछ लिया हमने दिल टूट गया बट कोई बात नहीं भाई। अब भाई अगली बार आऊंगा तो रेड एक्सनर खड़ी करना बिल्डिंग में खड़ी करेंगे अगली बार बिल्डिंग में से निकाल लेंगे अभी आप क्या करा रहे हो अभी तो भाई पहले हजार चेक करा ले फिर उसके बाद देखते हैं एक ड्यूक भी लाए ना फिलहाल हमारी वाली खड़ी है हां ये तो मैंने दिखा दी भाई सबसे पहले पीछे भी खड़ी है कैसे एक और खड़ी अरे भाई ये देखो इंटरसेप्टर ऐसे पीछे दुकान के बाहर और तैयार पड़ी जबरदस्त एक दुकान के बाहर भी है इतनी भारी चलो भाई देख के आते हैं भैया के ऑर्डर पे आए हम दुकान के बाहर भी एक इंटरसेप्टर खड़ी है तो चेक कर लेते हैं भाई ये रे गाइस ये चेक करो भाई चीटी कॉन्टिनेंटल चीज लगती है भाई चीज तो सिकंदर भैया का नेचर बहुत अच्छा है ऑसम नेचर है भैया का मैंने सोचा तो थोड़ा हैवी वाली बात आएगी बट ऐसा कुछ नहीं है भैया का नेचर बहुत फ्रेंडली है आओ विजिट करो यार मज़ा आता है बहुत और तुमने बाकी सारी चीज़ें तो देख ही ली है ये देखो भाई एग्जॉस्ट एक से एक हैं तो अभी थोड़ा काम करवाते हैं फिर मिलते हैं भाई आप लोगों से फिलहाल मैं आ गए शॉप के बाहर और ये चेक करने के लिए खोल दिया भैया ने सीट बाइक की और सामने देख सकते हो SKD बाइक वर्ल्ड जो कि शॉप है भैया की यहाँ भी अपन अंदर थे तो अभी उससे पहले कर दो जल्दी इसका चेकअप करवाते हैं बाइक का पूरी बाइक चेक करने के बाद पता चला कि सिर्फ और सिर्फ फ्यूज़ ख़राब था तो फ्यूज़ तो डाल दिया भैया ने अपनी बाइक में और बात कर रहे हैं एक दूसरे से पूछ रहे कैसे क्या हो गया कोई नहीं अभी तो फ़िलहाल में फ्यूज़ डाल दिया है अब जल्दी जल्दी से बाइक करवाते हैं पैक फिर निकलते हैं यहाँ से अपना घर की तरफ
मिलते रास्ते में है ना भाई, उससे पहले बाइक चेक करेंगे। बाइक हो गई एकदम प्योर पूरी तरीके से पैक, और बुकिंग बोल रहा है कि अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना भैया, तो फिलहाल में अभी निकलते हैं यहाँ से। जो काम था वो तो हो चुका है कंप्लीट, ज़्यादा काम नहीं था, खाली हजार्ड की दिक्कत थी जो विक्टिंग के हर बार हो रही थी, तो भाई ने सब परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसके लिए गोबर लगवा लिया अपनी जैकेट में। गोबर लगवा लिया भाई, गोबर लगा लिया तुमने अपनी जैकेट? कबूतर की टट्टी लगी है गाइस, ये इसमें से कपड़ा निकाल पोछ ले। अरे ये रही जस्ट नीचे, तो फाइनली सारा काम हो चुका है डन, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वारंटी कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी है भाई, इससे लगा है। आए, हाए। ये सब अमन के कारनामे दिख गई हो, इधर दिख गई हो देखो, ये सब अमन के कारनामे भाई, पूरी बीट हेलमेट पे लेके घूम रही है। हाँ भाई यहाँ से भी निकलते हैं, सारा काम हो चुका है डन और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तुम्हें सिकंदर भाई से तो मैंने मिलवा ही दिया है, फैन क्या है ना ऐसी, तो भाई का नेचर बहुत फ्रेंडली है, और इन भाई ने करी हमारी बाइक ठीक, ये भाई तो मिलते सीधा रास्ते में, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए ना, तुम बोर हो गए काम का। तो भाई फाइनली आ चुके हैं करोल बाग से अपना वापस से घर, और पैटर्न चलने दे। हाँ तो भाइयों देखो, हैजार्ड वगैरह का काम एकदम ओके करवा ही लिया था हमने, तो बस आज इतना ही करवाना था, तो फिलहाल में अभी तो आ गए हैं गली के अंदर, और इसी के साथ इस ब्लॉग का यहाँ पे कर देते हैं एंड। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई मस्ती नए फन के साथ। और हो गई है थोड़ी सी शाम, ठीक है, बट अपना हैजार्ड का काम हो गया ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई मस्ती नए फन के साथ।